बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बना रही हूँ झींगे का पुलाव। तो उसके लिए मैंने 1 कप तेल ले लिया था और 1 टेबल स्पून मैंने वो ज़ीरा डाल दिया है इसमें, और 1 बड़ी साइज़ की प्याज काट के डाल दी है। इसको मैं करूँगी फ्राई। बारीक बारीक इसको प्याज को मैंने काट के डाल दिया है और इसको मैं फ्राई कर लूँगी। और इसमें मैं डालूँगी गरम मसाला साबुत, जिसमें होंगे 2 अदद मैंने ये बड़ी दालचीनी के डाल दिए हैं, 2 अदद मैंने छोटी इलायची के डाल दिए हैं, और 1 बड़ी इलायची का डालूँगी मैं, 2-4 काली मिर्चें और 2-4 लौंग मैंने डाल दिए। अब मैं प्याज को थोड़ा सा ब्राउन कर लूँगी। जब ये प्याज हमारी ये ब्राउन हो जाएगी तो इसमें मैं डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के। इसको मैं फ्राई कर लूँगी। ये 2 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर ले लिए थे और उसे छोटा छोटा मैंने काट लिया था हाफ हाफ करके। तो ये मैं इसको करूँगी सॉफ्ट, टमाटरों को थोड़ा सा मसाला भूनूँगी। 1 टेबल स्पून मैंने लाल कुटी हुई मिर्च डाल दी और इसको अब मैं फ्राई कर लूँगी मसाले को अच्छी तरह से। टमाटरों को सॉफ्ट कर लूँगी। जब ये थोड़े से टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे और मसाला भून जाएगा तो इसमें मैं डाल दूंगी प्रॉन। साफ़ करके इसको अच्छी तरह से साफ़ करके ये डाल दें। देखिए ये बड़े बड़े वाले इस साइज़ के झींगे हैं। ये मैंने ले लिए थे 500 ग्राम, 500 ग्राम झींगे मैंने ले लिए थे, ये फ्रीज हुए हुए मेरे हैं। और इसको मैं आप धो के अच्छी तरह से साफ़ कर लें। इसके अंदर दरमियान में एक लाइन होती है काले से कलर की, वो ज़रूर निकाल दें। अगर वो नहीं निकालेंगे आप तो थोड़ी सी कड़वाहट भी आएगी और उसका निकालना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसको मैं करूँगी फ्राई। अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी बादियान का 1 फूल मैंने डाल दिया है तोड़ के। और इसके बाद मैं डालूँगी इसमें 1 कप पानी। ये 1 कप पानी डाल के मैं इसको पकने दूंगी 10 मिनट के लिए कवर करके। अब ये 10 मिनट हो गए हैं, मैं इसको देखती हूँ फिर चेक करती हूँ। ये देखें ये हो गए हैं, थोड़ा सा इसमें पानी है ज़रा सा, और ये मैं चेक कर लेती हूँ कि ये हमारे प्रॉन सॉफ्ट हो गए हैं या नहीं। तो ये थोड़े से अभी इसमें बाकी है कसर, थोड़े से और होने हैं तो मैं इनको दोबारा से रखूँगी। ये 5 हरी मिर्चें मैंने कट लगा के डाल दी हैं। कट लगाने से ये होता है कि इस अंदर से जो मिर्च होती है उसकी तेज़ी होती है वो बाहर निकल आती है। और ये 1/2 टेबल स्पून मैंने काली मिर्च पाउडर का डाल दिया है। इसको मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद मैं इसे फिर कवर करूँगी। पाँच मिनट
के लिए, और 5 मिनट के बाद मैं इसे फिर खोलूँगी, देखूँगी कि जो हमारा थोड़ा सा रह गया था, झींगों में थोड़ी कसर रह गई थी, थोड़ा कच्चापन था, तो वो हो गया या नहीं। ये हो गए हैं तकरीबन हमारे सॉफ्ट बिल्कुल। 5 मिनट के बाद मसाला भी भुन गया है हमारा और झींगे भी गल गए हैं। झींगे आप चाहें खुले मार्केट से ले सकते हैं या फ्रोज़न जो आते हैं पैकेट में किसी भी कंपनी के ले सकते हैं। थोड़ा सा पानी इसका थोड़ा और खुश्क हो जाए, ऑयल बाहर आ जाए, तो फिर मैं इसमें डाल रही हूँ चावल जो कि मैंने ले लिए थे 5 कप। इसको मैंने एक आधे घंटे पहले भिगो दिया था, भिगोने के बाद इसका पानी मैंने निकाल दिया है और यह मैं डाल रही हूँ। पाँच कप चावल, आधा किलो झींगे, 2 बड़े टमाटर, 1 प्याज, कुछ गरम मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये सब चीज़ें मैंने डाली हैं, और 3 गिलास मैं ये पानी डालूँगी चावल के बाद और इसको फुल आंच पर पकने दूँगी। और झींगों को जो है ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ी ही सी देर के लिए पकाएंगे। अगर ज़्यादा आप झींगे पकाएंगे तो वो बहुत हार्ड हो जाएंगे, तो इसको ज़रा ध्यान रखना है। ये सारे चावल मैंने डाल दी हैं और अब मैं डालूँगी 1.5 टेबल स्पून नमक का, और आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दें, इसमें आप कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। ज़रा सा और मैंने डाल दिया है, और 3 बड़े चम्मच खाने वाले 3 टेबल स्पून दही फेंट के डाल दें। चावलों में दही ज़रूर डालें, चाहे बिरयानी हो, पुलाव हो, कुछ भी हो, ये चावलों में दही ज़रूर डालें, इससे चावल का दाना भी खिला खिला रहता है और बैठते नहीं हैं चावल, चिपकते नहीं हैं। तो अब मैं इसको पकने दूंगी और फिर कवर करके इसको 5 मिनट के लिए मैं हल्की आंच पर पकाऊंगी। ये चावलों में हमारे उबाल आ गया है। अब मैं यहाँ इस जगह पर जो है ना, जब उबाल आ जाए तो आप ज़रूर नमक चेक कर लिया करें। तो यहाँ पर हम दोबारा से नमक डाल भी सकते हैं, उसके अलावा जो है फिर चावलों में नमक डालना मुश्किल हो जाता है। सालन में तो आराम से डल जाता है, लेकिन चावल जब पानी खुश्क हो जाता है तो मैंने थोड़ा सा और नमक डाला है। अब मैं इसको कवर कर दूंगी और 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे बिल्कुल पकाऊंगी। ये 5 मिनट हमारे हो गए हैं, अब मैं इसको चावलों को देखूंगी। ये देखें थोड़ा सा अभी दम लगना है, तो मैं इसको पलट दूंगी चावलों को ऊपर के नीचे और नीचे के ऊपर ले आऊंगी, इससे बहुत अच्छा दम लग जाता है और बहुत जल्दी सहा दम लग जाता है और चिपकने का ख़तरा भी नहीं रहता और तमाम मसाले वगैरह सब मिक्स हो जाते हैं। तो अब मैं इसको फिर दोबारा से कवर करके 10 मिनट के लिए दम पे रख दूंगी बिल्कुल हल्की आंच पर। चावल हमारे दम आ रहे हैं, 10 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसको देख रही हूँ 10 मिनट के बाद मैं ये बिल्कुल हमारे चावल डन हैं। ये देखें एक एक दाना बिल्कुल खिला हुआ पका है, और को ज़रूर चेक कर लें चावल के दाने को दबा के, आया ये हो गए हैं डन या नहीं। अगर नहीं होते तो आप दोबारा रख सकते हैं इसको दम होने के लिए। ये दम मेरे तो लग गए हैं चावल,
और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा पुलाव तैयार हो गया है झींगों का। सर्दी के सीज़न में ये ज़रूर खाएं, बहुत ही मज़ेदार खुशबू वाला ये पुलाव होता है। देखने में थोड़ा सा ये येलो येलो वाइट सा लग रहा है, लेकिन ये बिल्कुल फीका पुलाव नहीं है, थोड़ा सा स्पाइसी सा है। तो आप ये ज़रूर बनाएं और बनाने के बाद कमेंट्स में मुझे बताएं ये आपको कैसा लगा है। इसके अलावा मैं नई वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी, कोई शेयर करूंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।